मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी आज यानी शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। ये घोषणा पत्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से भोपाल में जारी किया जाएगा। विरोधी पार्टी कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की सत्ताधारी पार्टी आज अपने संकल्प पत्र को जारी करेगी। इसके लिए भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के मिंटो हॉल में इसका कार्यक्रम रखा गया है। बता दें आपको कि आज बीजेपी का मध्य प्रदेश के लिए संकल्प पत्र जारी होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। भोपाल में पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कांग्रेस पार्टी जो कि पहले ही संकल्प पत्र की घोषणा कर चुकी है, इसी बीच अब भाजपा की ओर से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहेंगे और जनता को अपने तमाम वादे पेश करेंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी होगा और कार्यक्रम में जेपी नड्डा के साथ साथ और भी भाजपा के कई बड़े चेहरे देखे जाएंगे। लेकिन अब भाजपा की ओर से आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया जाएगा। भोपाल में कार्यक्रम होगा और लगातार चुनावी दौरे भी देखे गए हैं मध्य प्रदेश में। 17 नवंबर को विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है और अब आज भाजपा की ओर से इस बीच संकल्प पत्र जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस की ओर से पहले ही संकल्प पत्र जारी किया जा चुका है और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और जनता को तमाम वादे पेश करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, इसी के साथ ही तमाम बड़े चेहरे भी नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ सकते हैं।